घोर कलयुग चारों तरफ अपना असर दिखा रहा, अपने पैर पसार रहा था। जब जब अधर्म बढ़ा है, धर्म घटा है, विष्णु ने कोई ना कोई अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। कलयुग में अधर्म अत्याचार घर घर में है। पहले एक रावण था, अभी घर घर में रावण है। इतने राम कहां से लेकर आओगे? कलयुग घोर बढ़ गया। ऋषि मुनि देवी देवता भी इस कलयुग के प्रकोप से वंचित नहीं रह पाए। आपस में बात कर रहे हैं, नारायण नारायण नारायण। प्रभु, कलयुग कितना घोर बढ़ रहा है, चारों तरफ अत्याचार अनाचार दुराचार। हर युग में प्रभु ने, श्री हरि विष्णु ने अवतार लेकर धरती का सारे धरती के सारे कष्टों से मां धरती को मुक्ति दिलाई, भक्तों का उद्धार किया। परंतु इस कलयुग में न जाने क्यों इतनी देर लगा रहे हैं प्रभु। नारायण नारायण नारायण, आप क्यों चिंता करते हैं? ये प्रभु की बनाई सृष्टि है और इसका चिंतन तो प्रभु ही करते हैं। हमें देर न करते हुए श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में ही चलना चाहिए और उनसे ही पूछना चाहिए कि इतना घोर कलयुग बढ़ गया, कब आपका अवतरण होगा? कब ये कलयुग पाप अत्याचार दुराचार अनाचार से त्रस्त कलयुग सुख समृद्धिमय होगा, भक्तिमय होगा? कब भक्तों का उद्धार प्रभु करेंगे? हाँ हाँ नारद जी, चलिए हम सभी श्री हरि विष्णु के पास चलते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु, नारायण नारायण नारायण। नारद जी, ऋषि मुनि, देवतागण श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में अर्जी लगाने चल पड़े। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में ऋषि मुनि नारद आदि पधारे। नारायण नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रणाम। आइए देव ऋषि नारद, आओ देवगण ऋषि मुनि, बड़े दिनों के बाद आपका आगमन हुआ है, कहिए क्या बात है? नारायण नारायण, प्रभु आपकी बनाई सृष्टि में इतना अधिक देखने सुनने और सोचने का विषय है कि कभी इसका आनंद उठाता हूं, कभी इसका चिंतन करता हूं। विष्णु ने कहा, देवर्षि नारद, चिंतन और चिंता क्यों, इसका क्या कारण है, बताइए देवऋषि। नारायण नारायण, हे नाथ, आप तो सर्व ज्ञाता हैं, आपने सृष्टि एवं जग कल्याण हेतु विभिन्न रूप में अवतार धारण किया। अभी घोर कलयुग चल रहा है, धर्म का पतन और अधर्म का बोलबाला हो रहा है। ऐसे में मानवता की रक्षा हेतु देवगण और मुझे कोई उचित मार्ग बताइए प्रभु, हम उचित मार्ग जानना चाहते हैं, उचित मार्ग जानना चाहते हैं। ऋषि मुनि और देवगण आए हरि के पास, हाथ जोड़ विनती करें, सुनो त्रिलोकीनाथ, सुनो त्रिलोकीनाथ। ओ कलयुग घोर है, बढ़े रहा, बढ़े पाप अन्याय, हे दीनों के नाथ, अब आप ही करो सहाय, आप ही करो सहाय। हे
त्रिलोक की नाथ, धरती पर पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। भाई बंधु पिता पुत्र जैसे रिश्ते कलयुग के प्रभाव से ग्रसित होने लगे हैं। यहाँ भाई भाई का नहीं रहा, पिता पुत्र का नहीं रहा। जिस माता पिता ने संतान को जन्म देकर खून पिला कला कर पाला, बड़े होकर वो बच्चे उन्हें घर से निकाल रहे हैं। प्रभु इस कलयुग में मानवता कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा। धरती पर मानवता पर आने वाले इस संकट को दूर करने के लिए कोई उपाय कीजिए प्रभु। हे नाथ हम सब आपकी शरण में आए हैं, कोई उपाय कीजिए प्रभु, कोई उपाय कीजिए। श्री हरि विष्णु ने कहा, देवगण ऋषि मुनि आप लोग चिंतित न हो, जब जब मानवता पर संकट आता है तब तब मैं किसी न किसी रूप में आकर अवतार लेकर उसका निवारण करता हूँ। कलयुग के इस चरण में भी सृष्टि एवं मानवता के कल्याण हेतु शीघ्र ही मेरे अंश से धरा पर एक बालक जन्म लेकर जग का कल्याण करेगा और लोगों को भक्ति और मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। देवों की फरियाद सुन बोले कृपा निधान, मेरे अंश से जन्मेगा बालक एक महान, बालक एक महान। आप चिंता न करो, आप जाओ, जल्द ही मेरा अंश धरती पर जन्म लेने वाला है। नारायण नारायण, प्रभु आपने हम सबकी चिंता दूर कर दी। धरा पर पुनः एक बार फिर से सृष्टि कल्याण हेतु आपके नए स्वरूप को देखने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। प्रभु हम सभी उत्सुक हैं। नारायण 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 नारायण, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। ऋषि मुनि देवताओं को श्री हरि विष्णु ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही धरती पर मेरे अंश का अवतार होने वाला है। भगवान भक्तों का कल्याण करने हेतु धरा पर अवतरित होने का संकेत दे चुके थे। कुछ समय के पश्चात भक्तों के कल्याण हेतु मरुभूमि राजस्थान के झुंझुनू नगर में अग्रवंश में प्रभु अंश से एक बालक का जन्म हुआ। बाबा गंगा राम जी के पिताजी का नाम झूठा राम जी और माता का नाम लक्ष्मी देवी। संवत 1952 की श्रावण शुक्ला दशमी आई, विष्णु वंश से जन्मे बालक झुंझुनू नगर में खुशियां छाई। मोदीगढ़ में मंगल छाया, झूठा राम हर से मनमाही, माँ लक्ष्मी की गोद भरी है, घर घर माही बटे मिठाई, घर घर माही बटे मिठाई। संवत 1952 श्रावण शुक्ला दशमी बाबा गंगा राम का जन्म हुआ। आज भी वो हवेली है झुंझुनू में, मोदीगढ़ हवेली, जिस हवेली में बाबा गंगा राम का जन्म हुआ, वो कमरा भी है जिस कमरे में बाबा गंगा राम का जन्म हुआ। आप जब झुंझुनू जाओगे वहां के दर्शन करना। अभी हम लोग पुरुलिया में पहली बार उत्सव हो रहा है और प्रसंग में बाबा जी का जन्म आया है। कौन कौन जन्म की बधाई लेगा बाबा जी के, जरा एक बार बताना तो पुरुलिया वालों। हाँ, बाबा जी का जन्म उत्सव मनाएंगे, कौन कौन बधाई लेगा? हाँ, मत बोलो को नहीं, हाथ उठाओ। बधाई देने के टाइम पहली मेरो नंबर, पहली मेरो नंबर, पहली थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, और आज के बाद आप बोलेंगे सबको, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ। बस अब बजाना शुरू कर दीजिए पुरलिया वालों, जितनी तकलीफ जितने संकट है पुरलिया से वो बहुत जल्दी भागने वाला है। सारे भक्तों के संकट बाबा जी दूर करने आ गए। आइए हम लोग मिलकर धूमधाम से बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं। जी माई, हाँ। और मैं विनती करूंगा बाबा गंगाराम सेवा समिति पुरलिया, कलकत्ता, पटना, राउरकेला,
जहाँ जहाँ से भक्त आए हैं उन सबसे कि आइए धूमधाम से बाबा जी का जन्मदिन मनाएं और सारे भक्तों के साथ मिलकर एक बार जोरदार जयकार बोले बाबा गंगा राम की। झूले पालनिए में जुता राम जीरो राज दुलारो रे झूले पालनिए। आइए आइए आइए। हाँ ये विष्णु के अवतार का जन्मोत्सव मना रहे हम लोग है ना, इतने धूमधाम से मनाना पुरलिया वालों, जितनी बधाई मिलेगी आपके घर से उतनी तकलीफें दूर होगी। जरा तालियां बजाकर झूम कर झूले पालनिए में झूला राम जीरो राज दुलारो रे झूले पालनिए में झूले पालनिए में झूला राम जीरो राज दुलारो रे झूले पालनिए में। हे माँ लक्ष्मी को लाल सुरंगो लक्ष्मी को लाल सुरंगो लागे प्यारो रे नगर झुंझुनू जन्म्यो लालो चक्र सुदर्शन धारी रे नगर झुंझुनू जन्म्यो लालो चक्र सुदर्शन धारी रे। अरे गंगा राम नाम धर आयो अरे गंगा राम नाम धर आयो लीला धारी रे झूले पालनिए में हर हर झूले पालनिए में राम जी राज दुलारो रे झूले पालनिए में। तालियां जरा पुरलिया वालों बाबा जी के भक्तों जोरदार ये बार अरे पास पड़ोसन पीलो गावे लक्ष्मी जी हर सावे रे पास पड़ोसन पीलो गावे लक्ष्मी जी हर सावे जी। अरे 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 नर नारी सब झूमे गावे नर नारी सब झूमे गावे लाड लडावे रे झूले पालनिए में झूले पालनिए में जुथा राम जीरो झूले पालनिए में।
के कराया। अच्छा बोले पहले मेहनत करो फिर बधाई मिलेगी। एक बार ताली, इस बार लागनी चाहिए कि पुड़िया के भक्ता की तालियां बज रही है। और जोरदार, और जोरदार। हाँ बोले बाबा गंगाराम की। अब एक बार सबने गाणो है, जितना भी भक्त बैठा हो, एक भी बाकी नहीं बचोगा, सबने मिलकर बोलना है। झूले पालड़िए में जो था राम जी रो राज दुलारो रे, झूले पालड़िए में, झूले पालड़िए में जो था राम जी रो राज दुलारो रे, झूले पालड़िए में। गंगाराम, गंगाराम लियो अवतार, बधाई सारे भक्ता ने। गंगाराम लियो अवतार, बधाई सारे भक्ता ने। ओ बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बोलो बोलो बधाई सारे भक्ता ने। विष्णु अवतारी आयो आज, बधाई सारे भक्ताने। विष्णु अवतारी आयो आज, बधाई सारे भक्ताने। आज यो अंगणो धन्य हुयो है, आज यो अंगणो, आज यो अंगणो धन्य हुयो है। अरे गंगा राम को जन्म हुयो है, गंगा राम को जन्म हुयो है। झुमोरे नाचो रे, झुमोरे नाचो सब आज, बधाई सारे भक्ताने। झुमोरे नाचो नोनो दाल, बधाई सारे भक्ताने। देव दरबार लग्यो है, पंच देव दरबार लग्यो है, पंच देव दरबार लग्यो है, पंच देव दरबार लग्यो है। बोलिए बाबा गंगाराम की। ये मैं आपको बता दूं, खाली पुरुलिया में होता है। पुरुलिया के अलावा हर जगह बधाई लेने के बाद जयकार नहीं लगती, पुरुलिया में केवल लगती है बधाई लेने के बाद जयकार। बोले बाबा गंगाराम की। अब जिससे बधाई मिल गई हाथ उठा लो एक बार। बाबा जी को भी धन्यवाद, अक्षरमणि को, मां गायत्री को, पंच दरबार। जो जिनको बधाई नहीं मिली वो नाच नाच कर लेंगे। तालियां बजा कर एक साथ मिलकर, बाबा गंगाराम लियो अवतार, बधाई सारे भक्ताने। बाबा गंगाराम लियो अवतार, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने, बधाई सारे भक्ताने। विष्णु अवतारी, विष्णु अवतारी, विष्णु अवतारी लियो अवतार, बधाई सारे भक्ताने। विष्णु अवतारी लियो अवतार, बधाई सारे भक्ताने। हो श्रावण शुक्ला दशमी आई, श्रावण शुक्ला दशमी आई, आनंद शुक्ला दशमी आई, आनंद छायो रे विष्णु अवतारी। विष्णु अवतारी। हेलो 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 बोलिए बाबा गंगाराम की। हाँ राजू चालू हो।
कलयुग माही देखो भक्तों विष्णु अवतारी आयो रे, कलयुग माही देखो भक्तों विष्णु अवतारी आयो रे, कलयुग माही देखो भक्तों विष्णु अवतारी आयो रे, कलयुग माही देखो भक्तों विष्णु अवतारी आयो रे। बोलिए बाबा गंगाराम की। धूमधाम से झुंझुनू मोदीगढ़ हवेली में पीड़ा गाया गया, थाल बजी सोहन थाल बजी, बधाई बांटी गई जैसे भी पुड़िया में बांटी गई। सभी से विनती, बैठ जाइए बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठ जाइए। सामने से बैठ जाओ, सब दरबार के सामने से बैठ जाओ, मैं विनती करूंगा। बाबा गंगाराम का विष्णु अवतारी का आगमन हुआ झुंझुनू के मोदीगढ़ में, धूमधाम से बधाई बटी, मंगल गीत गाए गए। जूताराम जी बड़े खुश थे और तेजो में मुखड़ा बालक का इतना तेज था बालक के मुखड़े पर कि फूले नहीं समा रहे थे। जूताराम जी माता लक्ष्मी, जूताराम जी ने कुल पुरोहित को बुलाने के लिए भेजा कि आकर उस प्यारे से बालक का भविष्य बताएं। आइए आइए पुरोहित जी पधारिए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। पुरोहित जी ने कहा, हाँ जूताराम जी, आपका समाचार मिला और मैं चला आया, कहिए। जूताराम जी ने कहा, पुरोहित जी हमारे पुत्र का नामकरण करके हमें बताइए कि इसका नाम क्या होगा और इसके गुण कैसे हैं। पुरोहित जी ने पंचांग देखकर, कुंडली देखकर, जैसे जैसे देखनी शुरू की कुंडली, उनका मन प्रफुल्लित होने लगा, चेहरे पर मुस्कान लिए। पंडित जी ने कहा, पुरोहित जी ने, अति सुंदर जूताराम जी, अति सुंदर, अपने मुख से क्या बताऊं, अति उत्तम, अति उत्तम। जूताराम जी ने पूछा, भाई क्या उत्तम है, क्या है बताइए तो। पुरोहित जी ने कहा, जूताराम जी आपके पुत्र में ऐसे गुण हैं जो साक्षात ईश्वर में होते हैं, अत्यंत ही तेजस्वी बालक है ये, माँ गंगा के समान पावन और प्रभु श्री राम के समान तारने वाला है, अद्भुत संयोग है गंगा और राम के, अद्भुत संयोग है गंगा और राम के, जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि लोग कल्याण हेतु इस बालक का जन्म हुआ है, ये बड़ा होकर लोग कल्याण करेगा, जन कल्याण करेगा, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये साधारण बालक नहीं है, ये कोई प्रभु का अंश ही है, और मैं इस बालक का नाम गंगा राम रखता हूं क्योंकि इसमें गंगा के समान पावन गुण है और राम के समान तारने के गुण है, आज से इस बालक का नाम गंगा राम होगा। जूताराम जी खुश हो गए, वाह वाह गंगा राम अति सुंदर और मन को शांति प्रदान करने वाला नाम है। पुरोहित जी और कुछ बताइए। पुरोहित जी ने कहा, जूताराम जी ये बालक संसार को नई राह दिखाएगा, इसका नाम ही लोगों को भव से पार उतारने वाला होगा, जिस प्रकार राम नाम सुमिरन से कल्याण होता है उसी प्रकार गंगा राम सुमिरन से ही कलयुग में समस्त सुख प्राप्त होंगे, समस्त विघ्न कटेंगे जो गंगा राम नाम का गुण गाएगा, इस नाम का उच्चारण करेगा वो सारे संकटों से मुक्त होगा और प्रभु की विशेष कृपा उस पर रहेगी। जूताराम जी खुश हो गए, हमारा जीवन तो धन्य हो गया, प्रभु की असीम कृपा मिली है, असीम कृपा, प्रणाम पुरोहित जी, प्रणाम प्रणाम, असीम कृपा प्रभु की, असीम कृपा। पुरोहित जी ने बालक का नाम गंगा राम रखा, गंगा के समान पावन और राम के समान तारने वाला। समय अपनी गति से चलता रहा, बाल्यावस्था में ही बाबा गंगा राम जी ने तरह तरह के परिचय दिखाने शुरू कर दिए, तरह तरह की लीलाएं शुरू कर दी, परंतु
जितने भी लीला बाबा जी करते, जो भी देखते बाबा जी उनके स्मृति पटल से, उनकी याददाश्त से वो हटा देते, क्योंकि बाबा जी ने कहा है कली में छिप लीला करूं त्रियुग अवतार कहा हूं। ये कलयुग है और यहाँ बाबा जी की लीला धीरे धीरे आगे आ रही है हम सभी भक्तों के सामने। बाबा गंगाराम जो भी दीन दुखी आता अपने शरीर पर जो वस्त्र है उसे दे देते, उनके पास जो होता उसे दे देते, दीन दुखी की सेवा में लगे। समय आगे बढ़ा, मात्र 42 वर्ष की आयु में बाराबंकी जो उत्तर प्रदेश में है, वहां सफदरगंज में बाराबंकी शहर है, वहां कल्याणी नदी बहती थी, उस नदी के तटपट वट वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा गंगाराम मात्र 42 वर्ष की उम्र में महाप्रयाण कर गए, स्वधाम चले गए। राम भी आए वो स्वधाम गए, कृष्ण भी आए वो स्वधाम गए, बाबा गंगाराम भी आए वो स्वधाम गए। और बाबा जी का महाप्रयाण हुआ धरती से, आज भी वो वट वृक्ष है और वहां अपने हाथ से बाबा गंगाराम ने मंदिर की स्थापना की थी, वो शिव मंदिर आज भी वहां है बाराबंकी में कल्याणी तट के बीच। समय गुजरा, बाबा गंगाराम के अनन्य भक्त भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी, जिनका जन्म ही बाबा गंगाराम जी से हुआ, जिनका मकसद यही था कि आराध्य बाबा गंगाराम की सेवा, सिर्फ बाबा जी की सेवा करनी है और कोई काम मुझे नहीं करना। बाबा गंगाराम की सेवा करते करते भक्त शिरोमणि बड़े हुए, मोह माया तो कोसों दूर थे, परंतु मनुष्य जीवन व्यतीत करने जब लोग करते हैं, इंसान करते हैं, तो सारे मनुष्य के जो कर्म है सारे उन्हें निभाने पड़ते हैं। परंतु कहते हैं ना, शिव के साथ शक्ति हमेशा आती है, उसी तरह शिवांश भक्त शिरोमणि देव की नंदन और उनकी आराध्या शक्ति का स्वरूप, शक्ति स्वरूपा माता गायत्री, वो भक्त शिरोमणि के साथ परिणय में बंधी, दोनों का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात माता गायत्री भी, देवी गायत्री भी बाबा जी के असीम कृपा उन पर भी बाबा जी की सेवा में वो लग गई। समयानुसार चार बेटियां और दो बेटे, छह संतानें उन्हें मिली और धीरे धीरे समय चक्र चलता रहा। कलकत्ते से बाबा जी की महिमा का गुणगान भक्त देव की करते, धीरे धीरे बाबा जी के परचे, बाबा जी के चर्चे होने लगे, बाबा जी की भक्ति बढ़ने लगी, भक्त श्रमण की भक्ति बढ़ने लगी और भक्त देव की नंदन विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की दिव्य ज्योत को अपने रूप में धारण कर जीवन पथ पर बढ़ते गए। प्रभु बाबा गंगाराम द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर दीन दुखियों की सेवा तथा संसार को बाबा की पूजा उपासना का मार्ग दिखाकर उनका उद्धार करने का बीड़ा उठा लिया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी एक नन्हा सा बालक देव की भक्त शिरोमणि के रूप में परिणित हो जाएगा। समय चक्र घूमता गया, बालक देवकी युवा हुए और गृहस्थाश्रम के धर्म को निभाने के हेतु कलकत्ता महानगर आ गए। वे सांसारिक बनकर भी अपने को कर्ता नहीं मानते, शक्ति स्वरूपा धर्म परायण गायत्री देवी से उनका विवाह हुआ और दो पुत्र तथा चार पुत्रियों ने उनके वंश रूपी बेल को महकाया। अपार धन दौलत ऐश्वर्य होने के बावजूद वे उनसे निर्दिप्त थे, वे मान अपमान मोह और माया से ऊपर उठ गए थे। एक दिन जिस उद्देश्य के लिए भक्त शिरोमणि का धरती पर आगमन हुआ था वह घड़ी आ गई। बाबा की सेवा पूजा में बीत रहे दिन रात, एक रात सोए हुए थे, हुई अनोखी बात, हुई अनोखी बात। बाबा गंगाराम की सेवा में दिन रात उनके बीत रहे थे। एक रात
नित्य की भांति बाबा जी का ध्यान करके भक्त शिरोमणि सोने के लिए अपने कक्ष में आए। बोलिए भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की जय। एक रात नित्य की भांति देव की नंदन बाबा के चरणों का ध्यान लगाकर सो रहे थे और बाबा जी का श्री चरणों का ध्यान लगाकर अपने कक्ष में विश्राम करने लगे और लेटते ही उन्हें नींद आ गई, घोर निद्रा में सो गए। वो समय आ गया जिस समय के लिए भक्त शिरोमणि बाबा जी की सेवा करते थे और उनको भक्त से भक्त शिरोमणि बनने का वो समय आ गया। सो रहे थे, उन्हें स्वप्न में बाबा गंगा राम ने दर्शन दिए और अपने झुंझुनू में मंदिर निर्माण का आदेश सुनाया। उन्हें ऐसा लगा वो सो रहे हैं, बाबा जी ने सपने में दर्शन दिए हैं और आकाशवाणी हुई, देवकी उठो, अब समय आ गया है जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। मेरे विष्णु स्वरूप के दर्शन से जगत को मार्ग दिखाओ, पंच देवों के साथ मेरे श्री विग्रह की स्थापना करो, मरुभूमि के पावन झुंझुनू नगर में मेरे मंदिर का निर्माण करो और जग का कल्याण करो। उठो देवकी, उठो, उठो देवकी। भक्त देवकी का मन विचलित हो गया, उनकी नींद खुल गई। स्वप्ना देश में ये बाबा जी के वचन सुनकर वो घबरा गए। हे मेरे आराध्य, हे मेरे बाबा गंगाराम, हे प्रभु, ये कैसी माया है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं एक सांसारिक प्राणी और आपकी इतनी महान लीला, क्या मैं इसको निभा पाऊंगा प्रभु? क्या मैं आपके दिव्य प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर पाऊंगा? हे प्रभु, आपकी दी हुई यह अपार संपत्ति आपके मंदिर के निर्माण के काम आएगी, इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य होगा। परंतु प्रभु, ये दुनिया वाले इस शुभ कार्य में क्या मुझे आगे बढ़ने देंगे? ये धर्म विरोधी स्वार्थ से भरी दुनिया क्या आपकी नई लीला को समझ पाएगी? प्रभु समझ पाएगी? मैं असमंजस में हूँ प्रभु, असमंजस में हूँ। आप ही मार्ग दिखाइए, समाज परिवार और व्यापार के साथ मैं अपने वचन को निभा पाऊं, मुझे इतनी शक्ति दे प्रभु, इतनी शक्ति दे। मुझे कुछ समय नहीं आ रहा, मैं एक सांसारिक प्राणी कैसे अपने वचन को निभाऊं, कैसे बाबा के दिव्य प्रकाश से जगत को प्रकाशित करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। भक्त देवकी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। इतना बड़ा आदेश बाबा गंगाराम जी ने दिया। भक्त देवकी घबराते हुए रोते रोते बाबा जी से विनती करने लगे। बाबा गंगाराम प्रभु, ये कैसा वचन सुनाया है? बाबा गंगाराम प्रभु, ये कैसा वचन सुनाया है? धाम तेरा कैसे बनवाऊं, नहीं समझ में गंगाराम। हे दयानिधि, हे दयानिधान,
मैं कैसे इस वचन को निभाऊं, मैं अकेला कैसे ये कार्य कर पाऊंगा प्रभु, कैसे कर कार्य कर पाऊंगा। हे दीनों के नाथ दयानिधि, ये दुनिया अज्ञानी है, कोई मुझे भक्ति की हदें पार कर देता है और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है तो उसे प्रभु के अलावा कुछ नहीं दिखता। भक्त शिरोमणि ने साफ साफ कहा है, मेरे आराध्य बाबा गंगाराम, मेरे आंसू, ये मेरे आंसू, इतनी कृपा मुझ पर आपने बरसाई इसके लिए बह रहे हैं, परंतु एक भय है, ये स्वार्थ की दुनिया, ये अज्ञानी लोगों की दुनिया, ये अज्ञानता दुनिया में भरी पड़ी है कलयुग में, कैसे मैं इनको विश्वास दिलाऊंगा कि आप विष्णु अवतार हो, कौन मेरी बात मानेगा प्रभु, कांटों पर मैं चलने को तैयार हूं परंतु आपकी कृपा के बिना संभव नहीं, नहीं तुम्हारी बाबा, नहीं तुम्हारी लीला बाबा, घर घर महिमा है तेरी, परंतु आपकी महिमा मैं जानता हूं, जो आपके चरणों से जुड़े हैं वो जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान जगत में कौन सुनेगा बात तेरी, बड़े बड़े विद्वान जगत में कौन सुनेगा बात मेरी, तेज तुम्हारा हे बाबा, और भक्तों इतिहास गवाह है, जब जब ऐसे भक्तों ने प्रभु को दिल से पुकारा है, रोकर पुकारा है, प्रभु ने आकर अपने भगत को धीर बंधाया है, रोती हुई आंखों से आंसू को पोछा है और कहा है मत घबरा मैं तेरे साथ हूं, वो चाहे हनुमान जी हो, चाहे मीरा हो, चाहे नानी बाई हो, चाहे कर्मा बाई हो, भक्त देवकी के आंसू बाबा देख नहीं पाए, रुक नहीं पाए, भक्त देवकी रो रहे हैं, विष्णु अवतारी वहां पहुंचे। मैं विनती करूंगा, जोरदार जयकार सब मिलकर लगाइएगा, बोलिए विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम की, बाबा गंगाराम आए और कहा देवकी
पुत्र उठो प्रभु प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया, प्रभु मेरा जीवन धन्य हो गया। मैंने मेरी आंखों ने आज आपके दर्शन कर लिए प्रभु, मेरी आंखें धन्य हो गई, मेरा यह जीवन धन्य होगा। प्रभु आपको कोटि कोटि नमन। आपने इस असहाय को दर्शन देखकर बहुत बड़ा उपकार किया प्रभु। आपके वचन को पूरा मैं कैसे करूं, आप मुझे रास्ता दिखाई। बाबा गंगाराम ने भक्त शिरोमणि को उठाया, जैसे राम ने हनुमान को गले लगाया था, कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया था, उस तरह भक्त और भगवान का मिलन हुआ। बाबा गंगाराम ने भक्त देवकी को गले से लगाया, बोलिए भक्त और भगवान की, और कहा सिर पर हाथ रखकर, देवकी बोले बाबा सुनो देव की, ये सब मेरी माया है। बोले बाबा सुनो देव की, ये सब मेरी माया है। तुम हाथ बढ़ाओ, चिंता मत करो, मेरी माया है, केवल मेरा स्मरण करके आगे बढ़ते जाओ। दुनिया पीछे झुक जाएगी, ज्ञान समझ जब आया है। दुनिया पीछे झुक जाएगी, ज्ञान समझ जब आया है। सिर्फ जरा तू हाथ बढ़ा दे, ओ सिर्फ जरा तू हाथ बढ़ा दे, सब कुछ रचा रचाया है। बाबा गंगाराम प्रभु ये कैसा वचन सुनाया। बाबा जी ने इतना कहा, मैं तेरे साथ हूं, तू हाथ बढ़ा, ये सब मेरी माया है, सब रचा रचाया है। भक्त शिरोमणि का मन विचलित था, शांत हो गया, वो बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। हे मेरे आराध्य, हे मेरे दाता, हे मेरे विष्णु अवतारी बाबा गंगाराम, हे जगपालन हारी, हे कलिमल हारी, आपकी कृपा आपका आशीर्वाद। बाबा जी भक्त शिरोमणि को दर्शन देकर वहां से धीर बंधाकर अपने भक्त को उसके आंसू पोंछकर अंतर ध्यान हुए। भक्त शिरोमणि मानो नींद से जागे हो, प्रभु 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 आपने 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 मुझ पर कृपा की, आपने मुझ पर असीम कृपा की, मुझे दर्शन दिए, मुझे इस लायक समझा, प्रभु मैं अपने मन की बात कैसे बताऊं सबको। गायत्री गायत्री कहां हो गायत्री। भक्त शिरोमणि ने अपनी धर्मपत्नी देवी गायत्री को बुलाया और सारी बात बताई। देवी गायत्री ने कहा, स्वामी आप चिंतित ना हो, जब करुणा निधान बाबा गंगाराम हमारे साथ हैं तो फिर कैसी चिंता। आपने जो वचन दिया है उसे निभाने के लिए हम तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। स्वामी आप सिर्फ कर्म करते जाइए, परिणाम की चिंता न करें। विचलित हुए जब देव की नंदन, ना दिखे कोई पार, गायत्री देवी समझाए भगवत गीता सार, भगवत गीता सार। स्वामी
आप क्यों चिंता करते हैं, साक्षात दीनानाथ विष्णु तारी हमारे साथ हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोत्सवर कर्माणि। बोली आप तो कर्म करो, करो न सोच विचार, बाबा गंगा राम प्रभु जी देंगे शक्ति अपार, देंगे शक्ति अपार। भक्त शिरोमणि का मन शांत हुआ, उन्होंने कहा हाँ मैं अवश्य ही अपने वचन को निभाऊंगा, मैं धर्म मार्ग से नहीं हटूंगा, इसके लिए मुझे कुछ भी बलिदान, कोई भी बलिदान क्यों न देना पड़े, मुझे सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं करना, एक नई शक्ति, एक नया अवतार, एक नई लीला से जगत को साक्षात्कार करवाना है। मैं ऐसा पावन धाम बनाऊंगा जिससे सारा संसार प्रकाशित होगा, सारा संसार। भक्त देव की चल पड़े, दृढ़ निश्चय कर देव की चल पड़े प्रभु मना, झुंझुनू नगर में मंदिर की नींव दई लगा। देव कार्य को रोक सके नहीं ऐसा कोई है प्रमाण, विश्वकर्मा ने खुदवा कर किया मंदिर निर्माण, किया मंदिर निर्माण। और देखते ही देखते झुंझुनू में बाबा गंगाराम के धाम शिव पंचदेव मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर अपनी ध्वजा फहराने लगा, बाबा का धाम लाखों भक्तों का कल्प वृक्ष बन गया। और वो दिन था गंगा दशहरा शुभ घड़ी, मंदिर बना विशाल, पंचदेव के साथ में शोभित गंगा राम, शोभित गंगा राम। और भागीरथ समदेव की लाए गंगा राम, तीनों लोक में गूंज उठा पंचदेव का नाम, पंचदेव का नाम। जी हाँ, गंगा दशहरा सन 1975 का दिन इतिहास में अमर हो गया। पुरी के शंकराचार्य जगत गुरु निरंजन देव जी महाराज के पुण्य सानिध्य में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया, सारा नगर, सारा झुंझुनू नगर झूम उठा। और आज हम पुरलिया वालों को यह सौभाग्य मिला है कि बाबा जी के मंदिर के निर्माण का अवसर आया है, और हम लोग भक्त शिरोमणि ने जो धर्म ध्वजा लहराई माँ गायत्री के साथ, उस ध्वजा को, भक्ति की ध्वजा को आज पुरलिया में लहराए। और इसके बाद वो पल, वो चमत्कार जो भक्त शिरोमणि की चिता में हुए, वो साक्षात यहाँ हम आपको दिखाएंगे। मैं एक बार विनती करूंगा, पहली बार मौका मिला है हम सबको, तो एक जयकार पंचदेव की ऐसी लगे, ऐसी लगे कि हमारी अर्जी आज की लग जाए। बोलिए पंचदेव दरबार की। धर्म ध्वजा भक्त शिरोमणि ने उठाई, देवी गायत्री ने उठाई, और इतने साल हो गए बाबा जी के श्री चरणों में ही उनका परिवार है, और वो ध्वजा पूरे विश्व में लहर रही है। आज का ये जो कार्यक्रम अभी तो SCI में लाइव चल रहा है यूट्यूब में, हर रविवार को दोपहर 1:30 बजे आस्था चैनल में जरूर देखें। पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां बाबा जी के कीर्तन होते हैं वहां आधे घंटे का 20 मिनट का हर रविवार दिखाया जाता है। आज ये पुरलिया को उत्सव भी दिखाया जाएगा, उसके नीचे लिखा है बाबा गंगाराम सेवा समिति पुरलिया। हमें भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी कि भाई बाबा जी की इतनी कृपा पुरलिया पर है। अब आइए धर्म ध्वजा भक्त शिरोमणि ने लहराई, वो लेकर निकल पड़े। मैं पुरलिया के भक्तों से विनती करूंगा बाबा जी के चरणों में आते जाइए धीरे धीरे, और जैसे ध्वजा लहराती है तालियां बजाकर झूमकर सब मिलकर गाएंगे। मेजरी हो, जेठ की दशमी आई आनंद छायो रे, आनंद छायो हे झोला ये बात।
ध्वजा लहरा रहे हैं भक्त शिरोमणि, आज पूरे विश्व में लहरा रही है। अब पुर्लिया वालों से एक सवाल करूंगा, अभी तक किसके मन में इच्छा हो गई, आगे की लीला इसके बाद किसकी इच्छा हो गई, मैं एक बार पंचदेव दरबार जाऊंगा या जाऊंगी, हाथ उठाकर दिखा देना, बाबा जी की कृपा मुझे भी चाहिए, मैं भी बाबा जी का भक्त बनूंगा या बनूंगी, उड़ के हाथ ऊपर और एक बार तालियां बजाकर सारे मिलकर हाँ। आइए एक बार आपकी तालियां बजेंगी, जितने भी भक्त बैठे एक बार केवल, मैंने अभी तक नहीं बोला, एक बार जोरदार तालियां सभी मिलकर बजाएंगे और मिलकर मेरे साथ कहना, वो दृश्य आपके सामने होगा, बाबा गंगाराम सरपंच बनकर बैठे हैं दाहिनी तरफ भक्त शिरोमणि और बाईं तरफ ममता मई परम राधिका माता गायत्री। शिरोमणि ने भक्ति का पथ नहीं छोड़ा, सब छोड़ा, पंचदेव धाम भक्त को मिला। आइए देव की नंदन बैठा बाबा के शरणा में, बाबा के चरणा में, ओ देव की नंदन बैठा बाबा के चरणा में, बाबा के शरणा में, ओ माता गायत्री बेटी बाबा के
एक बार भक्तों से विनती है, जैसे धर्म ध्वजा देवकी नंदन ने हाथों में उठाई, एक बार दोनों हाथों को उठाना, तालियां मत बजाना, एक बार लंबे हाथ उर्लिया में आज ये धर्म ध्वजा लहराई है, और जैसे ध्वजा लहराती है हाथों को लहराते हुए बोलना सारे मिलकर, हो मंदिर प्यारो गणो बनवारो रे, गंगा राम को वचन देव की खूब निभायो रे, हो मंदिर प्यारो गणो बनवारो रे, गंगा राम को वचन देव की खूब निभायो रे, हो खूब निभायो रे देव की खूब निभायो रे, खूब निभायो रे देव की खूब निभायो रे, हो मंदिर प्यारो गणो बनवारो रे, गंगा राम को वचन देव की खूब निभायो रे, हे गंगा राम को वचन देव की खूब निभायो रे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आइए बाबा जी के असीम कृपा हुई, भक्त शिरोमणि ने धाम बनाया झुंझुनू धाम, पंचदेव धाम, और बाबा गंगाराम मूर्तिमान हुए पंचदेव के साथ में। अगर आपको आभास हो रहा है कि सचमुच हम बाबा जी के चरणों में बैठे हैं तो जयकार लगा देना जोरदार, तालियों की जरूरत नहीं है, बोले बाबा गंगाराम की। आपको लग रहा है साक्षात भक्त शिरोमणि हमारे साथ हैं, परम राधिका माता गायत्री, तो जयकार लगा देना भक्त और भगवान की। इस तरह मंदिर बना, परंतु मंदिर बनने के बाद परीक्षा की घड़ी और ज्यादा शुरू हो गई। अपने लोगों ने मंदिर बनने के बाद बाबा गंगा राम का नाम गूंजने लगा, भक्त देव की नगर नगर गांव गांव बाबा जी के धर्म प्रचार में जुट गए, परंतु देव की नंदन की असली परीक्षा की घड़ी अब शुरू हुई। परायों ने ही नहीं बल्कि अपनों ने उन्हें तरह तरह से सताया, उनकी भक्ति पर उंगली उठाने लगे, उन पर कटु वचनों से ताने कसने लगे, उन्हें धर्म पद से डिगाने के लिए चेष्टा करने लगे। भक्त देव की देवी गायत्री के साथ जहां जहां जाते बाबा के धर्म प्रचार को अपने उनके पीछे लग जाते, तरह तरह से ताने मारते, उनसे ये कतई बर्दाश्त नहीं होता। परंतु कहते हैं ना कि भगवान की कृपा जिस पर होती है, और जो सच्चा भक्त होता है वो धर्म की राह से कभी नहीं अड़िकता, वो उस राह पर चलता ही जाता है, अडिग होता है वो, और भक्ति की लौ में तपकर सोना कुंदन बना, और भक्त शिरोमणि कहलाया। परीक्षा की घड़ी प्रारंभ हुई, बाबा जी के प्रसार प्रसार में भक्त शिरोमणि लग गए, देवी गायत्री उनकी धर्मपत्नी देवी गायत्री भी बाबा जी के प्रचार प्रसार में लग गई, परंतु अपने ही लोगों ने ताने मारने शुरू कर, वो जहां भी जाते बाबा गंगाराम जी का नाम लेते, बाबा जी की महिमा बताते, ताने मारने वाले शुरू हो जाते, अरे देखो देखो ये बड़े भक्त आए हैं, देखो अपने आप को भक्त कहला रहे हैं, मंदिर बनाया है बाबा गंगाराम का, पुजारी बनकर बैठे हैं, देखो देखो क्या क्या होने लगा है दुनिया में, देखो भक्त देव की और गायत्री सबके ताने सुन सुनकर सह नहीं कर पाते, कभी उनके सामने हाथ जोड़ते ऐसा न कहें। सचमुच इस कलयुग में विष्णु अवतारी हैं बाबा गंगाराम, आप मानिए, उनकी महिमा को जानिए, उनकी कृपा को जानिए। लोग उन्हें धिक्कारते, वो हाथ जोड़ते, उनको समझाते, कभी कटु वचनों को सुनकर अपने कानों को बंद कर लेते,
के धर्म धर्म का पथ है बड़ा कठिन, कहते वेद पुराण अग्नि परीक्षा होती है यहाँ पे बारंबार, यहाँ पे बारंबार। तानों को सुनकर वो सह नहीं पाते और बाबा जी से हाथ जोड़कर दोनों विनती करते हैं, हे प्रभु जी आज दुनिया मुझको ताना मारे, हे प्रभु जी आज दुनिया हमको ताना मारे, रिश्ते नातेदार सभी तिरछी नजरें डारे, हे प्रभु आज दुनिया मुझको ताना मारे। जब भक्त अपने भक्ति के चरम पर आ जाता है ना, आपने देखा होगा सुदामा नहीं गया, भूखे रहने के बाद फिर सुदामा नहीं गया, मन में भगवान के लिए तरह तरह की बातें कहने लगा, वो मेरा यार है फिर भी मैं भिखारी, दुनिया का राजा मेरा यार मैं भिखारी। जब भक्त का मन नहीं डोला तब तक कुछ नहीं, जब भक्त का मन डोला तो फिर उसके जो मन में आता है वो भगवान को बोल देते। नरसिंह मेहता ने तो पता नहीं क्या क्या सुना दिया। भक्त शिरोमणि कह रहे हे बाबा जी हे मेरा आराध्य, जब से झुंझुनू में तेरा मैंने मंदिर बनाया, लोगों के ताने सुन सुन कर मैं तो तंग हुआ, सबके दिलों में ईर्ष्या भरी है, छल और कपट का खेल रचाया, दुश्मनों के रूप में मेरे अपनों ने है घेरा, ना तेरे रिश्तेदार सभी तिरछी नजरें डाले। हे बाबा जी कुछ नहीं समझ पा रहा हूं, कौन है अपना कौन पराया, आज आपकी कृपा से ही मैं जान पाया, स्वार्थ के रिश्ते हैं मतलब के नाते आज प्रभु मुझे समझ में आया, आज प्रभु मुझे समझ में आया कि जग ये सारा खारा लागे अब आप ही लगते प्यारे, आपकी सेवा में ही अब हम जीवन अपना गुजारे। सुन सुनकर उनके समझ में आ गया कि स्वार्थ के लोग नाते रिश्तेदार कोई अपना नहीं, सब मतलब के साथी हैं, साथी केवल एक बाबा गंगाराम, दूसरा मेरा कोई नहीं। इतिहास साक्षी है कि भक्तों को अनेकों अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, भक्त प्रहलाद मीराबाई नरसिंह मेहता उनको अपनों ने ही अपमानित किया प्रताड़ित किया, परंतु भक्त के सिर पर भगवान का हाथ होता है। इस प्रकार अपनों के विमुखता अपनों के विवाद से दुखी होकर देव के नंदन ने मन ही मन एक संकल्प ले लिया, अब मैं
मोह माया धन दौलत यश वैभव संपूर्ण त्याग करूंगा, ये अद्भुत संकल्प उन्होंने ले लिया। और उस संकल्प को निभाने के लिए अपनी धर्मपत्नी देवी गायत्री के साथ अपनी सारी चल अचल संपत्ति, जितने भी उनके पास अपार धन संपदा थी, संकल्प ले लिया कि अब मैं ये सब दान कर दूंगा, अब मुझे मोह माया से कोई सरोकार नहीं। बोलिए भक्त और भगवान की, भक्त देव की मन ही मन व्याकुल होकर देवी गायत्री से कहते हैं कि गायत्री, क्या संसार में धन वैभव मान सम्मान ही सब कुछ है? गायत्री, क्या भौतिक संसार में प्रभु भक्ति का यही मोल है? बाबा की भक्ति के मार्ग में ये माया सबसे बड़ी बाधा है। गायत्री, ये माया सबसे बड़ी बाधा है। क्यों न मैं समस्त संपत्ति का त्याग कर दूं, बाबा गंगा राम रूपी अनमोल मणि के सामने ये धन दौलत मोह माया मेरे किस काम के? किस काम के गायत्री, बोलो किस काम के? गायत्री देवी ने कहा, हाँ स्वामी, आप सबसे कह रहे हैं ये धन संपदा ये तो नश्वर है, परंतु पूर्ण ब्रह्म बाबा गंगा राम की कृपा जन्म जन्मांतर में भी नहीं मिल सकती। मैं आपके हर निर्णय में आपके साथ हूँ, आपने सही सोचा है, अब इस मोह माया का त्याग कर बाबा की सेवा करेंगे, बाबा की सेवा करेंगे। और उन्होंने तुलसी दल हाथ में लेकर सर्वत्र त्याग का संकल्प ले लिया, अपने हाथों से अर्जित करोड़ों की धन संपदा वैभव और सांसारिक रिश्तों का भी उन्होंने त्याग कर दिया। देवकी नंदन तुलसी दल हाथ में लेकर जल छोड़ रहे हैं, अपना सब कुछ गायत्री के संग मोह माया सब तोड़ रहे हैं। तुलसी दल ले हाथ में किया है दृढ़ विचार, समस्त संपदा त्याग दूं प्रभु चरणों में आज, स्वार्थ भरे संसार में झूठी है हर प्रीत, हो वैरागी मन हो गया देख जगत की रीत। देव की नंदन ने कलयुग में, देव की नंदन ने कलयुग में कैसा अद्भुत त्याग किया, तुलसी दल हाथों में लेकर अपना सब कुछ बांट दिया, अपना सब कुछ बांट दिया। देव की नंदन ने कलयुग में कैसा अद्भुत त्याग किया, तुलसी दल हाथों में लेकर अपना सब कुछ बांट दिया, अपना सब कुछ बांट दिया। सहन नहीं कर पाए लोगों के ताने, स्वार्थी दुनिया अब उन्हें नहीं भाई, मोह माया के लोभी लोगों से रिश्ते नातेदारों से नाता तोड़ दिया, और अनमोल मणि बाबा गंगाराम के चरणों से नाता जोड़ो। हर जग वालों की रीत देख कर देव की नंदन अकुलाए, धन यश वैभव सब कुछ त्यागा, रिश्ते नाते बिसराए। और आज एक राजा ने अपने हाथों, एक राजा ने अपने हाथों अपना वैभव लुटा दिया, तुलसी दल हाथों में लेकर अपना सब कुछ बांट दिया, अपना सब कुछ बांट दिया।
सेवक नंदन ने कलयुग में गायत्री देवी ने उस पल उनको धीर बंधाया था। आज परीक्षा की घड़ी स्वामी गीता ज्ञान सुनाया था। आज परीक्षा की घड़ी स्वामी गीता ज्ञान सुनाया था। स्वामी सब छूटे बाबा गंगा राम ने छूटे। जग छूटे या धन छूटे बस, जग छूटे या धन छूटे बस, प्रण भक्ति का ठान लिया। तुलसी दल हाथों में लेकर अपना सब कुछ बांट दिया, अपना सब कुछ बांट दिया। सुनिए भक्तों, इस कलयुग में जिस धन को सर्वोपरि माना जाता है, धन के बिना आपकी कोई अहमियत कोई इज्जत नहीं। भक्त शिरोमणि ने बाबा के चरणों में अपना सब कुछ प्रसाद की भांति बांट दिया। धन्य है देव की नंदन, सचमुच वे राजा हरिश्चंद्र की भांति सब कुछ त्यागने में समर्थ थे। और केवल इतना ही नहीं, जिस दिन भक्त शिरोमणि और देवी गायत्री सब कुछ बांट रहे थे, दोनों बेटे और चारों बेटियों ने आकर भक्त देव की और देवी गायत्री को कहा कि हम भी आपके साथ हैं। उनके उच्च शिक्षा प्राप्त संस्कृत के दो पुत्र और चार पुत्रियों ने इस कठिन बेला में भीष्म प्रतिज्ञा की कि हम सब यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अविवाहित रहकर भक्ति पर भक्ति पथ पर आपका साथ निभाएंगे, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। हम ईश्वर प्रदत्त योगी के संतान हैं। बाबा की भक्ति ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य। भक्तों, ये कैसी विडंबना थी, संतानें विवाह योग्य हो चुकी थी, उनके इस निर्णय ने देवकी को विचलित कर दिया। परंतु इतिहास लिखा जा चुका था जिसे कोई बदल नहीं सकता। बच्चों ने भी आगे बढ़कर मन की बात बताई, बच्चों ने भी आगे बढ़कर मन की बात बतलाई। रहेंगे हम सब तो अविवाहित, कठिन प्रतिज्ञा दोहराई। रहेंगे हम सब तो अविवाहित, कठिन प्रतिज्ञा दोहराई। त्याग भक्ति की ऐसी लीला, त्याग भक्ति की ऐसी लीला, देख के कलयुग कांप गया। तुलसी दल हाथों में लेकर बांट दिया, अपना सब कुछ बांट दिया। देव की नंदन ने कलयुग में कैसा अद्भुत त्याग किया। तुलसी दल हाथों में लेकर अपना सब कुछ बांट दिया, अपना सब कुछ बांट दिया। शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की, परम आराधिका माता गायत्री की, अपना सब कुछ बांट कर न्योछावर करके भक्त शिरोमणि सीधे चल पड़े बाबा की नगरी झुंझुनू अपने परिवार के साथ। वो आठों प्राणी झुंझुनू मंदिर में आ गए और वहीं रहने लगे। उन्हें झुंझुनू में आने के बाद
अब वो पल आ गया, वो घड़ी आ गई जब बाबा गंगाराम जी के भक्त की परीक्षा की घड़ी, बाबा जी के महिमा की परीक्षा की घड़ी। समय गुजरा, 21 अप्रैल 1992 की वो घटना है। भक्त शिरोमणि का शरीर शांत हुआ, मंदिर प्रांगण में उनके चिता सजाई गई और मंदिर प्रांगण में ही चिता को मुखाग्नि दी गई। और ये वो पल था, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, राम जी के भक्त हनुमान जी, ठीक है, विभीषण जी ने देखा था ना कि हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई, देखा था कि नहीं? संजीवनी बूटी कौन लाया था उस समय? विभीषण था कि नहीं? थे कि नहीं विभीषण जी? अब बताइए तो, हनुमान जी ने सीना चीर कर दिखाया किसके लिए? क्यों हनुमान जी ने सीना चीर कर क्यों दिखाया, कारण क्या था? देखिए, उस विभीषण ने हनुमान जी की लीला देखी और उसी विभीषण ने उंगली उठाई, जब हनुमान जी ने मोती की माला तोड़ दी, ये वानर है, वानर रहेगा, इतनी कीमती माला तोड़ दी, क्या तेरे में राम है? हनुमान जी ने कहा, मैं इसमें राम नहीं तो कोई काम की नहीं। उसी विभीषण ने उंगली उठाई, कहा, क्या तेरे में राम है? तो हनुमान जी को सीना चीर कर दिखाना पड़ा। उस युग में हनुमान भक्त शिरोमणि हनुमान जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, हम और आप चीज क्या है? ये तो कलयुग है, यहाँ पल पल पर लोग ये जवाब मांगते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और चमत्कार होने के बाद नमस्कार करते वही बोलते हैं एकदम सच्ची बात है ना, ये नियम है दुनिया का। और वो परीक्षा की घड़ी आ गई भक्त शिरोमणि की। वो परीक्षा की घड़ी आ गई, वो दृश्य आपके सामने अभी दिखाया जाएगा, कैसे भक्त शिरोमणि की चिता पर चमत्कार हुए, देवी गायत्री ने पुकार करी। 21 अप्रैल 1992, सैकड़ों लोग दरबार में उपस्थित, बाबा जी के श्री चरणों में मानने वाले भी नहीं मानने वाले भी, भक्त शिरोमणि बाबा गंगाराम का नाम लेते लेते बाबा जी में समाहित हो गए, उनकी चिता को मुखाग्नि दी गई बच्चों द्वारा। जब जब धरती पर धर्म की हानि हुई है, अधर्म बढ़ा है, श्री हरि विष्णु ने अवतार लेकर धर्म को बढ़ाया है, अधर्म को खत्म किया है। पहले राक्षस होते थे बड़े बड़े, है ना, अभी घर घर में राक्षस हैं। मान लो, बात कड़वी है परंतु सत्य है, सतयुग में सीता जी को लोगों ने नहीं छोड़ा, आखिरकार प्रभु श्री राम को उन्हें वनवास भेजना ही पड़ा, मतलब त्याग करना ही पड़ा सीता का, दो बार परीक्षा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और उसके बाद भी सीता प्रभु राम को नहीं मिली। आइए आइए आइए,
भक्त शिरोमणि भक्त शिरोमणि के अंतिम यात्रा चिता में बच्चों द्वारा मुखाग्नि दी गई, चिता जल रही है, सैकड़ों लोग देखने वाले देख रहे हैं। देवी गायत्री दुनिया वालों के ताने भक्त शिरोमणि के साथ सहन किए, परंतु अब अकेली हो गई। सैकड़ों लोग प्रमाण मांग रहे थे, सबकी आंखों में देवी गायत्री को ऐसा लग रहा था, सबकी आंखों में उत्सुकता है कि आज क्या होगा, क्या ये सचमुच विष्णु के अवतार बाबा गंगाराम हैं, क्या ये सचमुच कलयुग के हनुमान भक्त शिरोमणि हैं। उनके मन के भाव थे, उन्होंने कहा दोनों हाथ उठाकर कि हे श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके सामने अपने दोनों हाथ उठाती हूँ, सूर्य देव को साक्षी मानकर कहती हूँ कि अगर आप विष्णु अवतार हो और आपका ये भक्त आपका हनुमान है, आप कलयुग के गंगा राम हो, तो आपको आज चमत्कार दिखाना पड़ेगा। देवी गायत्री बाबा गंगा राम से विनती कर रही है कि बड़ी मुश्किल घड़ी है आज, किया वो विष्णु अवतारी, अपने सेवक की रख लो ला गंगा राम, अपने सेवक की रख लो लाज, किया वो विष्णु अवतारी, बड़ी मुश्किल घड़ी है आज, किया वो विष्णु अवतारी, हो अपने सेवक की रख लो लाज, अपने सेवक की रख लो लाज, किया वो विष्णु अवतारी, बड़ी मुश्किल घड़ी के ताने बताओ, छलनी हुआ मन कब तक सहे हम, दुनिया के ताने बताओ, हो लेली परीक्षा है कितनी बारी, लेली परीक्षा है कितनी बारी, अब तो कुछ दिखलाओ, क्या होगा ये परीक्षा की घड़ी हमेशा भक्तों पर ही क्यों आती है। वो बाबा गंगाराम जी से विनती करे कि हे बाबा गंगाराम, हे विष्णु अवतारी, देखो देखो नजारा, सेवक तुम्हारा
साक्षी है धरती, साक्षी है अग्नि, धरती साक्षी है अग्नि, साक्षी गगन और प्रभाकर, आज साक्षी है ये संसार कंजरा, आज साक्षी है ये संसार, किया वो विष्णु अवतारी, बड़ी मुश्किल घड़ी है आज, किया वो विष्णु अवतारी, रहा नहीं गया देवी गायत्री से। प्रभु भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा, द्रौपदी ने हाथ उठाए, प्रभु तू दौड़ा आया, तूने चीर बढ़ाए कृष्ण बनकर, उसका भाई बनकर, आज मैं हे विष्णु अवतारी तेरी शरण में हूं, मुझ पर कृपा करो। और जब मैंने कहा ना भक्त हार जाते हैं और आंखों से वो आंसू निकलते हैं जो आत्मा के आंसू होते हैं, तो भगवान को आना पड़ता है। देवी गायत्री ने कहा, प्रभु कि बाबा है सच्ची जो मेरी भक्ति आके प्रमाण दिखावो, त्याग बताओ। दोनों हाथ देवी गायत्री ने उठाए और ऐसा लगा समय का चक्र रुक गया। जल्दी चिता से भक्त शिरोमणि का दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा। बढ़िया भक्त शिरोमणि देव की नंदन जी की, और आशीर्वाद सारे भक्तों को दिया के शब्द चिता में तब हुआ, स्वतः उठ गया हाथ, मृत्युंजय होकर दिया सबको आशीर्वाद। बोले भक्त शिरोमणि श्रीदेव की नंदन जी की, आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठा, पहला चमत्कार, लोग चरणों में गिर पड़े, चेहरा बाल रूप हो गया और सिर से पानी की धारा निकलनी शुरू हुई जो निरंतर आधे पौने घंटे तक निकल रही थी। मानने वाले चरणों में गिर पड़े, नहीं मानने वाले भी चरणों में गिर पड़े, नतमस्तक हो गए और कहा, प्रभु हमारी आंखों में माया का फंदा था, आपकी भक्ति सचमुच अटल है, आप श्री हरि विष्णु अवतार हो, बाबा गंगा राम हो, कलिमल हारी हो, और ये आपका अनन्य भक्त भक्त शिरोमणि कलयुग के हनुमान भक्त शिरोमणि देव के नंदन है। ये चमत्कार हुए, लोग बाबा जी के चरणों में गिर पड़े, चारों तरफ बाबा जी के नाम की जय जयकार होने लगी, भक्त के नाम की जय जयकार होने लगी, और भगवान ने दिखा दिया कि जब जब भक्तों पर संकट आएंगे, विष्णु अवतारी धरती पर आएंगे। बोलिए बाबा गंगाराम की, भक्त शिरोमणि श्री देव की नंदन जी की, पंचदेव दरबार की, ममता मई माता गायत्री की। ये 1992 तक की बात मैंने आपको बताई। और उस दिन से
पिछले साल पिछले साल 29 नवंबर को भक्त शिरोमणि की धर्मपत्नी देवी गायत्री माता गायत्री का महाप्रयाण हुआ। 1992 में मैं नहीं था बाबा जी के चरणों में, लेकिन माँ से इतना प्यार मिला, माँ के रूप में दुर्गा को देखा, अन्नपूर्णा को देखा, सरस्वती को देखा, त्रिलोक ज्ञाता को देखा, और सचमुच बताता हूँ इतना प्यार माँ सब बच्चों को करती थी, इतना बड़ा परिवार माँ बसा कर गई है बाबा जी क्या। और अभी सारी शक्तियां भक्त शिरोमणि माँ गायत्री को दे गए और माँ गायत्री अपने बच्चों में बांट कर चली गई। 29 नवंबर 2017 को माँ का शरीर शांत हुआ, मुझे सौभाग्य मिला। मैं उसी दिन रात को झुंझुनू गया मंदिर में, रात को 2 बजे पहुंचा मैं, और माँ का विमान जो होता है अर्थी जिसे हम लोग कहते हैं, वो मुझे मिला सौभाग्य, मैंने सजाई अपने हाथों से। आप विश्वास कीजिए 2-2.5 हजार से ज्यादा लोग थे वहां पर, सबके मन में ऐसा था कि आज फिर कुछ चमत्कार होगा, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, चमत्कार तभी होते हैं जब जरूरत होती है, है ना। और इतने चमत्कार तो बाबा जी घर घर में कर रहे हैं, फिर भी माँ की अर्थी के जब हम लोग फेरी लगा रहे थे विमान के चारों तरफ, और माँ के दोनों बेटे भक्त शिरोमणि माँ के और चारों बेटियां जो फेरी लगा रही थी, तो मन से आवाज आई माँ माँ। आप विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों देखी बात मैं बता रहा हूँ, उसने सुनाई, मैं भी भरोसा नहीं करता। माँ की उस पार्थिव शरीर ने अपनी दोनों आंखें जो बंद थी वो ऐसे खोली, सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने फिर से देखा, भगदड़ न हो इसलिए वापस बंद कर लिया। ऐसा 3 बार हुआ, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार, और ये लाइन इसीलिए लिखी थी मेजर। हो जाते जाते देख रही थी सब बच्चों को जी भर के, कह रही मानो मत घबराना, साथ हूं मैं तो तुम सबके। माँ गायत्री का महाप्राण। और अभी कितनी विशेष बात है, 25 वर्ष हो गए भक्त शिरोमणि का महाप्राण हुए हुए, शिव चले गए, शक्ति नीचे थी, अब शक्ति का भी महाप्राण हुआ, शिव शक्ति का मिलन हो गया। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, इतना बड़ा आशीर्वाद माँ ने भक्तों को दे दिया। वहां समाधि थी भक्त शिरोमणि की, और माँ की भी समाधि उनके बगल में बनी। ऊपर जाते ही 1000 हाथ हो गए माँ के, पहले तो खैर शरीर तो दुनिया के लिए था, माँ तो घर घर में घट घट में सबके थी, अब वो शरीर से भी मुक्त हो गई, अब हर घर घर में माँ गायत्री है, हर घर घर में माँ बैठी है, अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। और ये विशेष कृपा मिली हम सब भक्तों को कि उस समाधि स्थल पर अब माँ गायत्री और भक्त शिरोमणि का मंदिर बनने जा रहा है। मतलब बाबा गंगाराम का अवतार हुआ, महाप्राण किया, अपने भक्त को बोलकर मूर्तिमान हुए कि मतलब फिर आ गया प्राण प्रतिष्ठा, मतलब क्या कहते हैं हम लोग कि मूर्ति में भगवान। और शिव शक्ति गए दोनों इतनी जल्दी वापस मूर्तिमान होकर वहां विराजने के लिए तैयार है। अब आप बताइए, जहां भक्त भी है और भगवान भी है, उस दरबार में कभी आडंबर हो सकता है क्या, दिखावा हो सकता है क्या? एक पैसे का नहीं। ऐसे ऐसी तकलीफें बाबा जी के दरबार से मिटी है, ऐसे ऐसे संकट भक्तों के मिटे हैं कि मैंने कहा मैं बोलूं तो मेरे को 2-4 महीने पुरुलिया रहना पड़ेगा, और 4-4, 6-6 घंटे रोज बोलूंगा तब भी खत्म नहीं होगा। इतनी कृपा है बाबा गंगाराम जी की। मैं पुरुलिया वालों से विनती करूंगा, जाना नहीं, अभी समाप्त नहीं हुआ है, हाँ अभी बहुत से कार्यक्रम बाकी है, लेकिन बात वही है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखो तैसे। जिसकी जितनी भक्ति लिखी है वो बैठेगा, जिसकी जितनी हाजिरी लिखी वो बैठेगा। इतनी कृपा है बाबा गंगाराम जी की। हम लोग सब इतने दूर दूर से सब आ गए, हर मंदिर में आप जाइए, सेठ जी इतना दे दो तो इधर से दर्शन, सेठ जी इतना दे दो तो ये काम हो जाएगा, सेठ जी इतना दे दो वो काम हो जाएगा, यहाँ सीधे जाकर बोलिए बाबा मैं आपके शरण में, बोले बेटा तेरा काम हो गया, कोई बीच में
कोई नहीं है, केवल आप और भगवान। और फिर भी अगर आप भटकते हो तो माँ गायत्री का पूरा परिवार है, चारों दीदियां दोनों भैये, वो आपको सही रास्ते पर ही लाएंगे, कभी भी भटकाएंगे नहीं। ये विशेष कृपा इस पंचदेव दरबार में। मैं विनती करूंगा पुर्लिया वालों से कि कभी भी दिल में एक बार अर्जी लगा लो कि एक बार मुझे झुंझुनू धाम बाबा गंगाराम जी बुला लीजिए, हे भक्त शिरोमणि एक बार मुझे बुला लीजिए, माता गायत्री एक बार दर्शन करा दीजिए बाबा जी के, एक बार जाने की गारंटी आप लीजिए। और उसके बाद देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आए। मैं दावे से कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, पूरा विश्व देख रहा है। और मैं ऐसे इतने लोगों को जानता हूं पुरलिया में, फिर मैं अगर बात करूंगा ना फिर पता चलेगा नवीन पर्चा देने लगा है। कभी मत सोचना, आपकी भक्ति आपके काम आएगी। हम लोग या कोई भी बाबा जी का सेवक आपको रास्ता दिखा सकता है, रास्ते पे चलना आपको ही होगा। मैं कैसा था क्या था मेरा भविष्य, भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूं, भविष्य नहीं वर्तमान और भूत जानता हूं। भविष्य की मुझे चिंता नहीं है क्योंकि मुझे पता है मैं इसकी शरण में हूं, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं। भविष्य की ये जाने इसका काम जाने, मैं तो इसकी सेवा में लगा हूं और जब तक सांसें हैं मैं बाबा जी की सेवा में लगूंगा। इसीलिए मैं ये लाइन गाता हूं, जी मेजर। के हक मैंने जग में ना देखा पंचदेव सा द्वार, कोई मोह माया नहीं। मैंने जग में ना देखा पंचदेव सा द्वार, यहाँ सच्ची त्याग तपस्या, यहाँ सच्ची त्याग तपस्या है भक्ति का आधार। अब जितने बैठे हैं मुझे पक्का भरोसा है आपकी इच्छा हो गई कि एक बार झुंझुनू जाऊंगा, एक बार इस धाम के लिए दोनों हाथ उठा लो, भक्षिरोमणि माँ गायत्री के लिए, परिवार के लिए, सम्मान में तालियां बजाकर। मैंने जग में ना देखा पंचदेव सा द्वार, मैंने जग में ना देखा पंचदेव सा द्वार, यहाँ सच्ची त्याग तपस्या, यहाँ सच्ची त्याग तपस्या है भक्ति का। इतनी लीला बाबा जी की इतनी कृपा बताने के बाद मुझे ये गाना पड़ेगा। तेरे भजनों को गाना सके ऐसी वाणी का क्या फायदा, हो तालियां जो बजाना सके ऐसे हाथों का। अब तो आ जाओ, हो तेरी में तेरी मेरी है सब पड़ी, पापा जब ले घड़ी दो घड़ी, झुंझुनू आ जा तू मत कर देरी, कट जाएगी दुख की घड़ी। आइए एक बार प्यारी प्यारी तालियां मिलके, ये बात साक्षी है भक्ति के वरदान का, वहाँ का कण 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 साक्षी है भक्ति के वरदान का, देखा हमने मिलन वहाँ पर भक्त और भगवान का, देखा हमने मिलन वहाँ पर भक्त और भगवान का, वहाँ भक्ति भाव की पूजा, में ना देखा पंचदेव सा द्वार, मैंने जग में ना देखा।
एक बार विजय भैया है क्या यहाँ? विजय सरावगी जी, मैं विनती करूंगा एक बार ऊपर आ जाओ। प्रमोद भैया, हाँ जिन्होंने देखिए कृपा तो बाबा जी की है, ये उत्सव हम मना रहे हैं, विशेष कृपा है बाबा गंगाराम जी की। अर्जी इतने सालों बाद बाबा जी ने पूरी की और मुझे लगा बहुत अच्छी पूरी की। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ बहुत से लोग हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं। हकीकत बात है, दो वक्त की रोटी नहीं थी मेरे पास, हकीकत बात है। आज सब कुछ है बाबा जी की दया से। तो मैं विनती करूंगा बाबा गंगाराम सेवा समिति जहां जहां से भक्त आए हैं दरबार में आ जाएं और बाबा जी के श्री चरणों में। प्रमोद भैया कहां गए? प्रमोद भैया है, हाँ बुलाइए प्रमोद भैया को, बुलाइए। विशेष नहीं सबसे ज्यादा सहयोग, और एक एक बड़े भाई की तरह मार्गदर्शक बनकर हमारे विजय भैया चले। एक बार तालियां के लिए जोरदार बजा दीजिए, जोरदार, और साथ में प्रमोद भैया भी, वो अभी है नहीं, हाँ हमारे पिंटू भैया पटना से, और सज्जन बाबू बाबा गंगाराम सेवा समिति पूरी, पिंटू भैया पटना सेवा समिति पूरी। देखिए प्रयास हम करेंगे, हमारा काम है प्रयास करना, अच्छे कर्म करना, फल देना इसका काम है ना। कर्म अच्छे किए जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। अब आपसे विनती करूंगा एक बार, जितने भी भक्त हैं, हाँ और साथ में भाई विशाल, हाँ और मुन्ना, आप लोग सब जानते हैं ये पुरुलिया मेरा दूसरा घर है कलकत्ते के बाद, और ये मेरा छोटा भाई है विशाल और इसका बड़ा भाई मुन्ना। जितना प्यार परिवार में उतना प्यार यहाँ, और इसीलिए बेहिचक हम लोग, और ये लोग तो बाबा जी के दरबार में हर साल जाते हैं। कृपा इनको भी मिली है और एक बार बोलने पर सब तैयार हो गए। आइए मैं आपसे विनती करूंगा, जितने भी भक्त बैठे हैं ये लाइन है, अब बाबा जी के चरणों में हम लोग गा रहे हैं सारे मिलकर। मैंने जग में ना देखा पंचदेव सा द्वार, मैंने जग में ना देखा पंचदेव सा द्वार, यह सच्ची त्याग तपस्या, यह सच्ची त्याग तपस्या है भक्ति का आधार, मैंने जग में पंचदेव सा द्वार। प्रमोद भैया के लिए एक बार तालियां जोरदार सब बजा दो भाई, ये कृपा बाबा जी की है ना। बाबा गंगाराम सेवा समिति में विनती करूंगा बाबा जी से भी, और एससीआई के माध्यम से मंदिर में भैया से भी, माँ गायत्री से भी, भक्त शिरोमणि से भी, कि ये पहली साल है और अब साल साल ये सिलसिला चलता है। प्रवीण पोतार भैया से विनती है, और देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, हमने बहुत अच्छे से उत्सव हम लोग मना रहे हैं, लेकिन जब आरती होगी और आरती में आप नहीं रहेंगे तो उत्सव का आधा फल वो ले जाएंगे जिन्होंने आरती की है। हाँ तो विनती करूंगा कि सभी आ जाएं बाबा जी के श्री चरणों में, बस कुछ देर में हम लोग आरती करेंगे और बाबा जी से विनती करेंगे ये सिलसिला अब सालों साल चलता रहे और बाबा जी की कृपा मिलती रहे। आइए एक रचना भक्त श्रोमणि के चरणों में। हनुमत को राम से लागी, मीरा को श्याम से लागी, हनुमत को राम से लागी,
मीरा को शाम से लगे ऐसी ही लगन देवकी को श्री गंगाराम से लगे ऐसी ही लगन देवकी को श्री गंगाराम से लगे ओ भक्तों का नाता भगवान से दिल का जो धड़कन से भक्तों का धड़कन से धड़कन से